हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गो मॉम एंड डैड। और अभी मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हूँ, जो कि मेरा ससुराल है। और आज मैं आपके साथ एक खाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आम का कटहल का अचार बनाने जा रही हूँ। बहुत दिन से मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर की नहीं की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं ये अचार कैसे बनता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बगल में घंटी का आइकन दर्जा है उसको दबा के उसको ऑल कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। कटहल को आप काट लीजिए या फिर आप मार्केट से उसको कटा हुआ ले आइए। हम तो कटहल को मार्केट से कटा हुआ लेके आ गए थे। उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा उबाला, आप मान के चलिए हमने गर्म पानी, तेज बहुत ज़्यादा गर्म पानी किया और उसमें कटहल के पीसेस डाल दिए। उसको तीन चार या पाँच छः मिनट उसको उबालेंगे, वो बहुत नहीं गलना चाहिए। उसके बाद इस तरह से उसको प्लेट में फैला देंगे, इस तरह से उसको प्लेट में फैला देंगे। ये मेरे पीछे घर के पीछे थोड़ा सा आंगन था, उसमें मैंने उसको धूप में रख दिया, धूपों भी चली गई है। तो इस तरह इसको फैला देंगे और ये देखिए इसको 5-6 घंटे की धूप लग गई है। इसका सारा मॉइस्चर, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर था, वो ड्राई हो गया है। तो इस तरह से हो जाएगा ये सूखने के बाद कटहल। अब जब इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर सूख गया है, धूप लग गई है, तो उसके बाद अब हम इसको अचार के लिए ही रेडी है। आपको अगर अंदाज़ा लेना है कि कटहल कितना उबलेगा, उसका अंदाज़ा आप ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे कटहल का पीस लीजिए, इसको दबा के देखिए। ये देखिए ये हल्का सा मतलब टूट रहा है, तो बहुत भसभसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये लिमसी है या बहुत ज़्यादा क्रैक, आराम से टूट रहा है। ये आराम से नहीं टूटेगा, पता है हल्का गल गया है। देखिए इसको प्रेस करके आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उबला है। दोस्तों, इस अचार में मैंने अचार का मसाला मार्केट से ले लिया है। आप अगर आपके मन में ये है कि अचार का मसाला मैं मार्केट से लूं या ना लूं, कोई संदेह की बात है, तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अचार बहुत अच्छा बनता है मार्केट के अचार के मसाले से भी, टाइम सेव हो जाता है। और इसमें अचार, मार्केट का जो अचार का मसाला है, उसमें क्या है कि सारी चीजें प्रोपोर्शन में रहती हैं और स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। तो मेरे पास टाइम की कमी थी, इसलिए मैंने घर में अचार का मसाला नहीं बनाया, मैं मार्केट से ले आई और ये झटपट अचार उस मसाले से बन जाएगा। और अगर आपको घर के अचार के मसाले की विधि चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं घर का, अपनी जो मेरी मदर इन लॉ है, उनका जो अचार का मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये अचार का पैकेट जो है ये 200 ग्राम का है। अगर आपका 1 किलो कटहल है तो आप पूरा 200 ग्राम डालेंगे। मेरा जो कटहल है वो 500 ग्राम है, इसलिए मैं इसमें हाफ डालूंगी, मतलब 100 ग्राम मसाला डालूंगी। तो पहले मैंने कटा उबला हुआ और धूप में सूखा हुआ, जैसे मैंने पहले बताया था, कटहल ले लिया। तो ये रहा कटहल। अब इसमें मैं ये मैंगो है, कच्चा आम है, इसको मैंने छीला और उसके बाद इसको ग्रेट कर लिया। ये देखिए ऐसे ग्रेट कर लिया। अब मैं इसको इसमें मिक्स करूंगी और उसके बाद मैं ये जो अचार का मसाला है ये मैंने वे करके रखा है, 100 ग्राम अचार का मसाला है। देखिए ये बहुत बढ़िया अचार का मसाला है। इस जगह आप अचार का मसाला लेते हैं तो आपको कुछ भी इसमें हल्दी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, इसमें सब इनबिल्ट होता है, सब डला होता है। हम तीनों को मिला लेंगे और जब तीनों मिक्स हो जाएंगे उसके बाद सरसों का तेल, मैंने बताया था सरसों का तेल देखिए गर्म हो रहा है, ये धुआं छोड़ने लगा, तो धुआं छोड़ने लगा तो अच्छी तरह से गर्म हो गया। ये देखिए ये सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, ये धुआं छोड़ रहा है। अब हम उसके लास्ट में सरसों का तेल इसमें मिलाएंगे। ये मैंने 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है, एक पैन में मैं इसको गर्म कर रही हूँ
और सरसों का तेल अचार में आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इंडिया में तो सरसों अचार हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है। ये गरम हो रहा है, गरम होने हो जाएगा अभी, अच्छे से तेज हीट हो जाएगा तो हम इसको अचार में मिलाएंगे। झटपट बनने वाला अचार ये तैयार है। और अगर आपको मेरी ये झटपट रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। चलिए बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।